वर्तमान कलिकाल को देखते हुए श्री मोतीलाल ओझा सांगवेद प्रतिष्ठान के द्वारा अभी जो ये महामारी चल रही है, इस महामारी को दूर करने के लिए जो अनुष्ठान किया जा रहा है, विष्णु सहस्रनाम का पाठ, उसमें संपुटित अच्युतानंद गोविंद, इस मंत्र से संपुटित पाठ किया जा रहा है। इसमें हमारा निवेदन सभी विप्रवर से, और विप्रवर भी नहीं, संपूर्ण मानव जाति से जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब से यह निवेदन कि अधिक से अधिक संख्या में यह पाठ करें, जिसे शीघ्रातिशीघ्र इस महामारी से संपूर्ण भूमंडल, सारे विश्व को इस महामारी से निजात मिले। चलो, वर्तमान में इस विकट महामारी को देखते हुए जहां सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार तथा अन्य संगठन अपने अपने स्तर पर इस कोरोना महामारी के निदान हेतु युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं, तो वो विप्रबंध हैं, वो भी प्रार्थना रूप में भगवान से इस प्रकार की विनती कर रहे हैं हम लोग कि इस रोग का जल्दी से जल्दी शमन हो, और इसलिए अच्युत आनंद अनंत गोविंद इन तीन नामों के साथ में संपुटित विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत्र का पठन हम लोग कर रहे हैं। सामूहिक रूप से कर रहे हैं, लेकिन जितने भी सरकारी गाइडलाइन हैं उनका पूर्णतः पालन करते हुए इस आयोजन को किया जा रहा है। वर्तमान में ये पंचदिवसीय आयोजन है, लेकिन हमारे साथ में कई ऐसे भक्त हैं, अन्य विप्र बंधु हैं और महिलाएं भी हैं, तो अपने अपने घरों में भी इस समय इस पाठ को कर रहे हैं, और 5 दिन के बाद भी हमने ऐसा संकल्प किया है कि हम अपने अपने घरों में नित्य एक पाठ को, जब तक इस महामारी का समय न हो तब तक हम करते रहेंगे।
अभी वर्तमान में पूरे भूमंडल पर कोरोना रूपी ग्रहण लगा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और सभी सरकारें, सभी डॉक्टर हैं, सब अपनी तरफ से लगे हुए हैं इस महामारी का इलाज पाने के लिए। हमारे वैदिक शास्त्रों में, सनातन धर्म में प्रत्येक रोग की शांति के लिए मंत्रों का उल्लेख है, तो उसमें भगवान स्वयं कहते हैं कि सकला रोगा नश्यन्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम् अच्युतानंद गोविंद। इन मंत्रों का जाप करने पर जितने तरह के रोग हैं सबका नाश होता है। तो डॉक्टर्स अपनी तरफ से खूब कोशिश कर रहे हैं, वैज्ञानिक वैक्सीन बना रहे हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, सब बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो हम ब्राह्मणों की तरफ से ये देवी देवताओं के लिए अनुष्ठान है, उनको प्रसन्न कर रहे हैं ताकि लोगों में सद्भावना जागृत हो और हमारे जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो भी काम कर रहे हैं उनमें उनको सफलता प्राप्त हो, इसीलिए हम ये अनुष्ठान कर रहे हैं।